अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। आज हम लोग आए हुए टर्टल बीच में विद फैमिली, जो कि हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और नो डाउट फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और बिग थिंग इज़ दैट कि इस मौसम में ये जनवरी का मंथ है और यहाँ पर मतलब कोई ऐसे वो नहीं है जिसमें हम कहें कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है या पानी बहुत ठंडा है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। आई थिंक सो दैट इस इन्वायरमेंट, इस सीज़न में आना चाहिए लोगों को। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और जबकि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस टाइम हम लोग गए थे आई गेस जनवरी था, तो उस टाइम पे काफ़ी हम लोगों को मज़ा भी आया था, इसलिए कि मौसम बहुत ज़बरदस्त था। और डिफरेंट दो जगह यहाँ पे चेक पोस्ट भी आए थे जहाँ पे हम लोगों ने पे भी किया था। नो डाउट टर्टल बीच बहुत ज़बरदस्त प्लेस है और मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हट्स भी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे भी है और आप इजीली अवेल कर सकते हैं। इवन वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हट्स भी मिलेंगे जो कि आप अगर तो 2-3 आवर्स या 5 आवर्स के लिए भी जाना चाहें तो ईज़िली आप वो भी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हट कितना साफ़ सुथरा है। और जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, हमारे कज़न्स ने, तो वो स्पेशली बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी बेटी की बहुत ज़बरदस्त बर्थडे सेलिब्रेट की थी, जो कि हमें काफ़ी मज़ा आया था। और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, इवन बारबेक्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। बस ये है कि वेदर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि भाई जनवरी फरवरी इस टाइप के आप वेदर में आप जाएं रादर देन टू गो इस वेदर में जाना, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपकी स्किन टैन हो सकती है। सो आई थिंक सो दैट बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। पानी इतना ठंडा लग रहा था और सन जो है वो तो और ही ज़्यादा अच्छा उस टाइम पर लग रहा था। लेकिन इस टाइम अगर आप जाएँ तो आई डोंट थिंक सो दैट के लोग इन्जॉय भी कर सकेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जनवरी का मंथ था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। इवन आप जून जुलाई में भी कर सकते हैं जो जाना चाहें, लेकिन वेदर ज़रूर देख के जाएं, जिस वक्त अच्छा मौसम हो उस वक्त निकलें। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक न्यू एक्सपीरियंस किया जो मेरे लिए काफ़ी न्यू था, क्योंकि स्नैक को पकड़ना इट्स नॉट एन ईजी, बट जिसको फोबिया हो तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि वो चीज़ ना करें जिसमें आपको डर हो। और बाकी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो कज़न्स बाहर से आए हुए थे, तो उन्होंने ज़बरदस्त अरेंजमेंट की हुई थी और उस चीज़ पर हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनको। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बर्थडे सेलिब्रेट की थी, जो कि हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो कि हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल है और हम इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आज तक। सो होपफुली जो वीडियो मैंने ये बनाई है, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हम लोगों ने सनसेट भी बहुत ज़बरदस्त इन्जॉय भी किया था। चलिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।